आजकल हम साड़ी और सूट सलवार से ज़्यादा कुर्ती और लेगिंग पहनना पसंद करते हैं। तो कुर्तियाँ और लेगिंग हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें कि छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है लेगिंग में, कलर फेड हो जाता है या फिर छोटा सा छेद हो जाता है तो हमारी जो लेगिंग है वो रिजेक्ट हो जाती हैं। तो चलिए आज कुछ रीयूज़ कर लेते हैं इन्हीं लेगिंग के। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूनम। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है अपनी एक पुरानी लेगिंग। वैसे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक है, बट यहाँ पर देखिए इसमें छोटा सा छेद हो गया है। तो होता ही है, एम्बेरेंस फील होता है अगर कोई कपड़ा अगर हमने पहना है वो कहीं से फट रहा हो, है ना। तो चलिए फिर इसका रीयूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने कट किया है, जो लेग वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी इस तरीके से। जो नीचे आसन है उसको लेते हुए यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी। फिर इसके बाद इसे लेके ना हमें इसे करना है उल्टा। उल्टा करने के बाद यहाँ पर मैं कोई सिलाई मशीन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, हाथ से मैं यहाँ पर जो है कच्ची सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद देखिए अब मैंने इसे सीधा कर लिया है और ये एक बहुत ही अच्छा बैग ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। इसमें हम अपने सीज़न के हिसाब से कपड़े रख सकते हैं, या फिर जैसे आने जाने वाले कपड़े अलग रखने हो, या कोई भी कपड़े अलग रखने हो थोड़े, या फिर जैसे सीज़न ऑफ हो रहा है तो कपड़े इसमें रख कर हम इसे अच्छे से अलमीरा वगैरह में सेट कर सकते हैं, बेड में रख सकते हैं, है ना। और देखिए ये है लेगिंग का कपड़ा, तो काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, तो जितना चाहे आप इसमें कपड़े रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने दो लेयर बना ली हैं और अच्छे से स्ट्रेच भी हो रहा है और कितने सारे कपड़े मैंने इसमें रख लिए हैं। तो ये देखिए जितने मैं रख रही हूँ आराम से वो स्ट्रेच होके ना बैग जो है बनाया है मैंने वो बड़ा होता जा रहा है। देखिए इस साइड भी और स्पेस है और ये देखिए कितने सारे कपड़े इसमें आ गए हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुआ है, आप इसमें बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। तो चलिए फिर इसका दूसरा यूज़ कर लेते हैं। तो सेम इसी को लेना कपड़े को लेना है जो हमने बनाया है और इसमें लगा देंगे एक हैंगर इस तरीके से। तो ये देखिए बहुत अच्छा ये भी ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि कुछ सामान रखेंगे, वेट रखेंगे ना, तो इलास्टिक है तो वो नीचे खिसक सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगा लेंगे सेफ्टी पिन, वो भी पीछे की साइड लगाएंगे जो कि आगे से नहीं दिखेगी इस तरीके से। देखिए ऐसे मैंने पीछे से सेफ्टी पिन लगा लिया है और ये देखिए अब इसमें कितना ही वेट हो जाए ये नीचे नहीं खिसकेगा। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, जैसे डोर के पीछे हैंग कर सकते हैं, कुछ सामान वगैरह आपके छोटे छोटे पर्स होते हैं ना जो डेली यूज़ में चाहिए होते हैं वो रख सकते हैं, या कुछ पेपर वगैरह इसमें रख सकते हैं। आप इसे अलमीरा में भी रख सकते हैं, इसमें काफ़ी जो है ना पर्स आपके पाउच वो सब रहेंगे, क्योंकि वो बाहर रखे रहते हैं तो धूल मिट्टी में गंदे हो जाते हैं, इसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें भी रख सकते हैं। तो चलिए लेगिंग का तीसरा यूज़ देख लेते हैं इस तरीके से। देखिए ये नीचे वाला पार्ट है और जो नीचे का फोल्ड हिस्सा है ना वो मैंने कट करके अलग कर दिया है। तो अब ये देखिए इसको मैं पहन लूँगी हाथ में, और ये कोई स्लीव नहीं है, ये बन गया है लॉन्ग ग्लव्स। तो जब भी हम बाइक स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो विंटर देखिए ऐसे ही समर आ रहे हैं तो धूप काफ़ी तेज़ होती है, जिसमें कि हमारे जो हैंड हैं वो काले हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप स्कूटी वगैरह चलाती हैं, या आपके हस्बैंड हो स्कूटर चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो इस तरीके से वो इसे लॉन्ग ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर की साइड से देखिए ये थोड़ा मेरे लूज़ आ रहा है क्योंकि मेरे हाथ ना थोड़े पतले हैं, तो आप अपने हैंड के अपने साइज़ के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने कट भी लगा लिया है वहाँ पर थंब के लिए, जो कि वो ऊपर को नहीं आएगा, और जितना यहाँ पर ढीला देख रहे थे ना उतना मैंने हाथ से कच्चा कर लिया है। तो सिलाई मशीन वैसे बहुत मुश्किल होती है हौजरी के कपड़े में चलने में, तो आप इसमें हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लॉन्ग ग्लव्स फ्री में बन के तैयार हो गया है। और लेगिंग का कपड़ा है, स्ट्रेचेबल होता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है। तो है ना बहुत अच्छा यूज़ ओल्ड लेगिंग का। तो चलिए चौथा यूज़ देख लेते हैं। तो कई सूट होते हैं हमारे जिसके साथ बहुत अच्छे दुपट्टे आते हैं, और क्या होता है सूट हम
क्या करते हैं कि ठीक है कभी पहना नहीं पहना या जो भी है, दुपट्टे ना बहुत अच्छे अच्छे होते हैं जिनको हमें रिजेक्ट करने का मन नहीं करता है। तो देखिए सारे दुपट्टे काफ़ी अच्छे हैं मेरे और किसी का भी रंग फेड नहीं हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, इनको मैं संभाल के रख लेती हूँ कि कभी कोई नया सूट लूँगी। होता ही है ना, कई कुर्ते होते हैं जिनमें दुपट्टे साथ में नहीं आते हैं, तो ये उसमें साथ में मैचिंग में चल जाते हैं। तो लेगिंग का जो बीच वाला पार्ट है उसमें देखिए मैं इस तरीके से दुपट्टों को पैक करके रख दूंगी। ये जैसे दुपट्टे लटके रहते हैं ना, तो वो खराब होते रहते हैं, गंदे होते रहते हैं, तो इस तरीके से मैं रैप करके अपने जो लेगिंग का है इसमें रख दूंगी। अब इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर एक और लेगिंग अपनी कट की हुई है और यहाँ पे मैंने अपने डस्टिंग के कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने अपना एक लोअर कट किया है जिसके टुकड़े टुकड़े करके ना छोटे छोटे कट मैंने पीस करके रखे हुए हैं जो डस्टिंग में काम में आते हैं। अब हम इनको ऐसे रखेंगे तो ये इधर उधर बिखरे रहेंगे और खो भी जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसी लेगिंग का मैंने एक पार्ट लिया हुआ है और इसको फोल्ड करके ना मैंने इसी के अंदर रखा हुआ है। तो अपनी काफ़ी चीज़ें जो छोटी छोटी हों, जिनका मिस होने का डर हो, आप इस तरीके से लेगिंग में रैप करके रख सकते हैं, है ना अच्छा तरीका। तो चलिए एक और तरीका देख लेते हैं इसको यूज़ करने का। यहाँ पर देखिए मैंने लेगिंग को कट किया है और एक बहुत अच्छा रबर बैंड बन के तैयार हो गया है। लेगिंग काफ़ी स्ट्रेचेबल होती है और काफ़ी सॉफ्ट होती है। चलो एक और यूज़ कर लेते हैं लेगिंग का। तो जब भी हमारे जो ऑयल की ये बॉटल होती है ना, जब भी ऑयल निकालने डालने में ये गंदी हो जाती है और चिपचिपी हो जाती है जो काफ़ी बुरी लगती है। तो चलो इसका भी कवर बना लेते हैं। तो यहाँ पर लेगिंग का मैंने नीचे वाला पार्ट लिया है और इस तरीके से जितना बॉटल का नाप है ना उतना मैंने इसको कट कर लिया है। तो सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट है उसको पहले लेगिंग को उल्टा करना है और हाथ से ही करना है, मशीन यूज़ नहीं करनी है। हाथ से थोड़ी सी सीधी सीधी सी सिलाई लगा लेनी है और जो ऊपर वाला साइड है उसको भी थोड़ा सा हम फोल्ड कर लेंगे, एक उंगली के बराबर फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा जो पार्ट है ना उसको बिना सिले छोड़ देंगे इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा बड़े काम नहीं हैं, छोटे छोटे काम हैं और बहुत ही अच्छे जो हमारे ऑर्गेनाइज़र है वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए लेगिंग का ही एक पीस आप कट कर सकते हैं और उसे ना थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो इस तरह से डोरी बन जाती है। तो यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन की मदद से जो ऊपर का हिस्सा फोल्ड किया था ना उसमें थोड़ा सा जो मैंने छोड़ा था उसी से इस डोरी को इसमें इंसर्ट कर लूँगी इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा बॉटल का कवर बन के तैयार है। तो अब बॉटल गंदी नहीं होगी, कवर गंदा होगा और इसे आप आराम से वॉश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लग गई है डोरी तो आप इसमें नॉट भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए एक ही लेगिंग का कितना सारा यूज़ हो रहा है, जो कि लेगिंग पुरानी हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी, है ना। तो देखिए जो चीज़ें होती है ना हमारे घर में जो होती हैं बहुत काम में आती हैं वो। तो देखिए इसी तरीके से जब भी हम कभी गर्म पानी यूज़ करते हैं तो ऐसे ही बॉटल होती है वो ठंडी हो जाती है। तो इस तरीके से बॉटल में जो गर्म पानी है गर्म रहेगा, क्योंकि लेगिंग का जो कपड़ा होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है और अंदर जो है नमी बना गर्म बना के रखेगा। तो नीचे देखिए अगर कॉर्नर्स जो ये निकले हुए हैं, अगर आपको इससे दिक्कत होती है तो इस तरीके से लेके ना आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, है ना, टांके मार सकते हैं उल्टा करके, उसे कॉर्नर से मोड़ के टांके लगा सकते हैं। तो ये थैली बहुत अच्छी बन गई है। आपको इसको ना पाउच के पर्पज़ में भी ले सकते हैं, अपना रील वगैरह रख लीजिए, अपना कॉस्मेटिक का सामान रख लीजिए, या अपने जो ब्रश होते हैं ना मेकअप ब्रश होते हैं वो भी रख सकते हैं। तो देखिए एक ही लेगिंग के कितने सारे यूज़ हो गए हैं। तो आपको कौन सा वाला आइडिया ज़्यादा पसंद आया है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा वाला आइडिया आपको ज़्यादा पसंद आया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।